उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के ब्लॉक मंजनपुर के ग्राम पंचायत गुलामीपुर में भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। लगभग 15 लोगों के साथ ये बड़ी घटना हुई है। कौशाम्बी जिले में जीवित व्यक्तियों को मृत दिखाकर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ जो भी धोखाधड़ी की गई है उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। ये सरकार और जिलाधिकारी से मांग करते हैं, जिससे हम लोगों को भविष्य में कोई भी योजनाओं से वंचित न होना पड़े। बता दें कि कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत हकीमपुर में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें ग्रामीणों को मृतक दिखाया गया और वे लोग अभी जीवित हैं। गाँव में पारिवारिक लाभ का जो निकाला गया पैसा, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? हमको ये जानकारी नहीं, तो इसके बारे में कहें कैसे आपको कोई तनिक भी जानकारी नहीं है? नहीं, हमको जानकारी इसमें कुछ भी नहीं है। ये जो लिस्ट आई हुई है इससे आप हम जो सूचना दी है इससे हमको जानकारी आज हुई है कि आपके 30,000 रुपये आपके अकाउंट में भेजा गया और मृतक आपको मृतक दिखाकर आपकी पत्नी के अकाउंट में भेजा गया है। नहीं, हम हमारे पत्नी के खाते में पैसा नहीं आया। आपने चेक कराया बैंक में? हाँ, हमारे खाते में नहीं। चलिए, आपका नाम? राम आश्रय सरोज। आपके पत्नी का नाम? राम समारी। एक जाते हैं हमारे खाते में पैसा आता है? नहीं, वही पूछ रहे हैं। जाइए जी। आपका नाम? महेश कुमार। किस गांव से हैं? गुलामीपुर। आपको मृतक दिखाया गया इसके बारे में आपको जानकारी है? हमको सर नहीं जानकारी। आपको जानकारी नहीं है? चलिए जी। आपका नाम? दिनेश कुमार। आप किस गांव से हैं? गुलामीपुर। आपको मृतक दिखाया गया है आर्थिक पारिवारिक लाभ के तौर से, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं। रवि करण है जी। मुझे जो अभी लिस्ट आई है अभी पता चला है, अभी तो मैं बाहर था, विदेश में था, अभी आया हूँ नवंबर में जी। अभी तक तो मैं था नहीं, अभी आप पता चला कि मैं मृतक हूँ। अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा किधर पैसा है किधर। जी, आपका किस गांव से हैं? गुलामीपुर से। जी, आपका नाम? सर मेरा नाम सुंदर लाल है, मेरे पत्नी का नाम मैकी देवी जी, और मेरे पत्नी से खाता नंबर और अकाउंट नंबर ले वो आधार कार्ड ले गए हैं, वो आज तक उसके खाते में एक पैसा नहीं आया और हमें मृतक दिखाया गया जी। मैं जीवित हूँ और सुरक्षित हूँ। किस गांव से हैं? मैं गुलामीपुर का निवासी हूँ। तो आपको मृतक दिखाया गया है, इसके बारे में आप क्या कोई कानूनी कार्रवाई या कोई जांच प्रक्रिया चाहते हैं? सर मेरे नाम मुझे आज पता चला, मेरे पास कोई आए और मुझे लिस्ट दिखाए तो मुझे पता चला कि मैं मृतक हूँ। अगर मैं मृतक हूँ तो मुझे कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसके लिए सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। मनोज कुमार। किस गांव से हैं? गुलामीपुर। तो आपको पारिवारिक लाभ के तौर पर आप मृतक दिखाया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे जानकारी इस बारे में नहीं थी, आज लिस्ट आई हुई है मेरे गांव में जी। तो उसमें मैं देखा तो मुझे मृतक घोषित किया गया जी। किस गांव से हैं? गुलामीपुर।